हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको आने वाली सभी किस्तें अगर लगातार पानी है, लगातार आपको बैंक खाते में लेनी है, तो आपको देखो ये ज़रूर देखना होगा कि सरकार ने क्या बदलाव किया है और आपको उसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है, इसको भी जरूर ऑन कर लें, ताकि हम जितनी भी वीडियो डालें सबकी जानकारी आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपको साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि हर महीने के अंतराल में दिए जाते हैं और 2,000 रुपये के रूप में आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिन किसानों को लगातार किस्तें मिल रही है, पहली, दूसरी, पाँचवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, जो भी किस्तें अगर आपको लगातार मिल रही है, तो आपको अगर आगे भी किस्तें पाना है, तो उसके लिए देखो आपको अपने आवेदन फॉर्म को EKYC से रजिस्टर्ड करना होगा। जो किसान अपने आवेदन में EKYC नहीं करेगा, उनकी किस्तें अब आगे नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप भी उसमें शामिल हो, आपका EKYC रजिस्टर नहीं हो, तो दोस्तों आपको अपने आवेदन फॉर्म में EKYC करना ज़रूरी है, वरना आपको 12वीं, 13वीं, 15वीं जो भी अब किस्तें मिलेगी, वो किस्तें देखो कोई भी लफड़ा हो सकता है आपके खाते में किस्तें ना आई हो। तो दोस्तों, EKYC कैसे की जाती है, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप EKYC देख सकते हो।